अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आज हमारा मूड था सेवैयाँ खाने का, सो हम गए हुए थे अम्मी के घर। तो यू नो अम्मी के घर, तो खैर हम घर में भी आराम से बना देते हैं, लेकिन आज हमारा मूड था अम्मी के घर की चीज़ें बनाने का और कचरा करने का। सो यहाँ पर हमने रखा पतीला, जिसमें डाले हमने ये सेवैयाँ थोड़ी डालकर इसको हमने की हल्का ब्राउन करना था, तो इसको हमने किया हल्का सा ब्राउन। सो ये जल्दी जल्दी फटाफट से, चूँकि आज गैस भी बहुत अच्छा था, तो इस वजह से हमने कर ली इसको जल्दी फटाफट से ब्राउन। ये हो गई है ब्राउन, तो ये हो गई है ब्राउन। इसको हम करेंगे बाउल में शिफ्ट, ये शिफ्ट कर दिया हमने। और उसी सेम पतीले में हमने रखा था बॉयल करने के लिए पानी, थोड़ा सा पानी रखा हमने बॉयल करने के लिए। फिर उसमें डाला थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालना है, जितनी भी सेवैयाँ हैं उस हिसाब से आप उसमें नमक डाल दें और उसको रखते हैं थोड़ा सा बॉयल आने दें। सो ये यहाँ पर बॉयल बबल्स हो गए थे, तो हमने ये डाल दी थी सेवैयाँ इसमें, और इसको 5 से 8 मिनट तक, इसको जब तक ये हो जाए नरम पक जाए, तो मेरा अंदाज़ा 5 से 8 मिनट तक होता है इसको पकाने में। सो ये बॉयल हो गई थी, इसको मैंने छन्नी से छान कर निकाली थी और उसमें शुगर भी डालती थी मैंने, ये शुगर डालती थी मैंने ये अलग से, ताकि ये भी पानी छोड़ेगी। तो ये और मैंने उसी सेम पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें इलायची 2 डाली, इसको गर्म किया और ये ऑयल सारा मैंने इसमें तेज़ उसको पकाकर ऑयल को मैंने इसमें डाल दिया था। और फिर हम मज़े से खाने लगे थे, मज़े से खाकर ख़त्म किया। तो ये बंदा ट्यूशन से आया और ये इसने ये हलचल जलजिला मचा लिया था घर में आकर, इतना क्या हर चीज़ ये ऐसे फेंक रहा था जैसे जलजिले हो रहे हैं, और फिर ये डांस भी कर रहा था बाकायदा छल के चीज़ें डांस कर रहा था। फिर वहाँ से कोई चीज़ ऐसी ऊपर से दे मारी, मेरे मोबाइल जमीन पर गिर गई। फिर भाग कर आया और मुझे भी नीचे गिरा दिया, इसने नीचे गिरा दिया। और फिर हमने इसको बंद किया था, इसने ये चबी लेकर हमने इसको बंद किया पकड़ा। फिर ये रोया था बहुत, बस रो रहा था, निकालो निकालो निकालो, बस चीख रहा था सिर्फ, रोया था हमने। फिर इसको छोड़ दिया था कि चलो भाई तुम आज़ाद हो गए। तो जनाब कैसा लगा व्लॉग, मस्ती मजाक सब चीज़ें, अच्छा लगा होगा व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, तो मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक शब्बा खैर।